आवारा कुत्तों का और पिटबुल कुत्तों का तांडव इस समय पूरे भारतवर्ष में बोल रहा है। लगातार कहीं की भी सरकारें हैं वो इन कुत्तों पर अंकुश लगाने में लगातार फेल नजर आ रही है। अभी हम अम्बोटा से होशियारपुर और चिंतपूर्णी जाने वाले मार्ग पर खड़े हैं। यहाँ पे एक कुत्ते ने लगातार इस बुजुर्ग पर हमला बोला है, और ना केवल इन बुजुर्ग पर हमला बोला है बल्कि अभी तो जाने वाले जो यात्री थे ये मोटरसाइकिल से जाने वाले परिवार के साथ थे, आप इनके मोटरसाइकिल भी परिवार के साथ छोटे बच्चे के साथ गिरे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? यूसुफ अली। यूसुफ अली आप कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे थे? मैं तो यही मेरा गांव है अम्बोटा, ऊपर जा रहा था। अम्बोटा जा रहे थे तो वो कुत्ता कहाँ से आपके पीछे पड़ा था? यहीं पे बस मैं जैसे जा रहा था उसने पकड़ लिया एकदम से पकड़ लिया। तो आप कौन कौन थे बाइक पे? मेरी बीवी और मेरी बच्ची है 2 साल की। 2 साल की बच्ची, आप तीनों गिरे। हाँ जी, ये गनीमत रही कि कोई बड़ी गाड़ी उधर से नहीं आ रही थी रोड पे। सही बात है। कुत्ता आ गया? और कुत्ता कौन सा था भाई साहब? कुत्ता पिटबुल था। पिटबुल था वो, पता है किनकी कुत्ती है वो? सामने खड़ा है वो, सामने खड़े हैं वो अंकल जो घुमा रहे थे वही है। हाँ हाँ। अच्छा प्रेम जी थोड़ा लीजिए, जूम कीजिए उनको। अंकल आप कहाँ रहते हैं? इनका ये साथ में लोकल घर। अच्छा आप इनको घर छोड़ने जा रहे हैं कोई अभी? अच्छा वैसे तो लगातार। सर क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार। विजय कुमार जी, ये जो कुत्ते हैं जो पिटबुल लोग पालते हैं जिस पर कि हाईकोर्ट भी काफ़ी सख्त हिदायतें दे चुका है, कैसे देखते हैं इन कुत्तों के पालकों को आप? इनको नहीं पालना चाहिए ना, ये घर पालतू कुत्ते ये नहीं होने चाहिए, घर में नहीं पालना चाहिए इनको ना, ये खतरनाक होते हैं। अगर जो लोग पालते हैं उनके पे एक्शन होना चाहिए, उनके ना लगातार एक्शन होना चाहिए, और हाई कोर्ट ने भी ये आदेश जारी कर दिए। भाई साहब कैसे देखते हैं कितनी मुश्किल से इनकी जान बचाई गई है? मुश्किल नाल ही बची है। मानते हैं लोग लगातार यहाँ से गुजर रहे थे, लोग गाड़ियाँ रोक नहीं रहे थे देख करके, वो तो कुत्ते के मन में आया कि वो अचानक चला गया। तो अब इनको छोड़ने की व्यवस्था हो रही है घर? ये साथ ही घर है, इनको छोड़ देना है, इनको छोड़ देना है, टीका लगवाना है और साथ में बता दिया गया। और अगर मैं बताऊँ यहाँ पर ये तो चलता रोड है जहाँ पर अगर इन कुत्ते ने जब अंकल पे हमला किया हुआ था तो लोग लगातार दूर दराज पे खड़े नजर आ रहे थे, और अब जा करके यहाँ 5-6 लोग एकत्रित हुए हैं। हालांकि इनका घर नज़दीक है और वो कुत्ता जो पिटबुल पालक थे वो भी अब कहीं दूर दूर तक नज़र हमें नहीं आ रहे, मगर ऐसे कुत्ते काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे हैं जिनसे हमें बचने की और समाज को बचाने की ज़रूरत है। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट।